अब हम देखते हैं जो कंबर्शन होता है कंबर्शन एंड फ्लेम ये चैप्टर का नाम है इसमें ये जो कंबर्शन है उसका मतलब क्या होता है तो अ केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबर्शन ऐसे केमिकल प्रोसीजर की जिसमें जो सब्सटेंस होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और हीट प्रोड्यूस करता है तो ऐसी जो रिएक्शन होती है केमिकल उनको हम बोलते हैं कंबर्शन जैसे कि यहां पे ये जो सब्सटेंस है वो क्या है मैग्नेशियम है मैग्नेशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तब ये जो मैग्नेशियम है वो एयर में बर्न करता है और उसके बर्निंग के साथ ये हीट को प्रोड्यूस करता है तो ऐसी केमिकल प्रोसीजर को हम बोलते हैं कंबस्चन ठीक है यहां पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो कोल होता है वो एक सब्सटेंस है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो एयर में बर्न होता है और वो हीट को प्रोड्यूस करता है तो इस केमिकल प्रोसीजर को हम बोलते हैं कम्बर्स्न और ये जो सब्सटेंस है जो कंबर्शन जिनका होता है उनको हम कम्बुस्टेबल सब्सटेंसेस कहते हैं उनको हम बोलते हैं कम्बुस्टेबल और उनको हम फ्यूल भी बोलते हैं जैसे कि यहाँ पे ये जो मैग्नेशियम है वो एक फ्यूल है वो एक कम्बोस्टेबल है ये जो कोल है वो एक फ्यूल है वो एक कम्बस्टेबल है ऐसे सब्सटेंसीज जिनका कम्बर्सन होता है उनको हम बोलते हैं कम्बोस्टेबल यहाँ पे जो फ्यूल है वो सॉलिड भी हो सकता है लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है यहाँ पे वुड कोल चारकोल जो है वो सॉलिड फ्यूल के एग्जाम्पल है पेट्रोल डीजल जो है वो लिक्विड फ्यूल के एग्जाम्पल है थैंक यू सो मच बच्चों मिलते हैं सेकंड लेक्चर में बहुत जल्दी तब तक के लिए खुश रहिए हमारे साथ बने रहिए स्पिरिट साइंस क्लासेस में और थैंक यू सो मच